गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन. नाउ टुडे इज व्हाट डेट? यस, टुडे इज 18th ऑगस्ट. एंड टुडे इज व्हाट डे? टुडे इज ट्यूसडे. ओके, नाउ टुडे इज आई विल स्टार्टेड टू न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, अशोक्स गाइड. एंड सब्जेक्ट नेम इज इंग्लिश. ओके, यस्टरडे हमने क्या देखा था इंग्लिश सब्जेक्ट में? लेसन नंबर 3 में हमारा न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था. देन आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो अशोक्स गाइड. क्या है अशोक गाइड? अशोक एक क्या है? स्टूडेंट का नेम है, एक बॉय का नेम है जिसने क्या किया है, अपने द्वारा बनाई हुई काइट को कैसे किया है, हाँ, खुद के द्वारा बनाई हुई उसने अपनी पतंग को आकाश में उड़ाया है. तो क्या है, लेट्स अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु इंजॉय मेकिंग अ काइट विथ हिज फादर. क्या किया उसने अपने पापा के साथ, इतना इंजॉय किया किस फेस्टिवल को, हमारे इस मकर संक्रांति फेस्टिवल को. ही मेड दिस फॉर द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति. क्या है मकर संक्रांति? यस्टरडे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मकर संक्रांति हमारा एक त्यौहार है जो कि हम कौन से मंथ में सेलिब्रेट करते हैं? जनवरी महीने में. जनवरी मंथ जो हमारा न्यू ईयर कहलाता है. ओके, दिस इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट इन जनवरी. क्या है ये? जनवरी में सेलिब्रेट होने वाला यह एक त्यौहार है, एक फेस्टिवल है. दिस इज द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन फार्मर्स कट द क्रॉप्स एंड कलेक्ट देम फ्रॉम देयर फील्ड्स. क्या होता है, फार्मर्स किसान इस महीने में हम अपने द्वारा, अपने खेतों के द्वारा जो खेतों में उगाए जाने वाली फसल है उसे काटने का काम करते हैं और नई शुरुआत करते हैं. इट इज़ ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन. क्या है, स्प्रिंग सीजन की शुरुआत होती है. पीपल फ्लाई काइट्स ऑन द डे. क्या करते हैं इस दिन, वह सारे लोग इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए क्या करते हैं, आसमान में काइट को उड़ाते हैं. तो ये हमारी एक स्टोरी है जो मैंने आपको बताई थी, इसके पहले भी एक्सप्लेन की थी कि कौन है अशोक. इंजॉय द आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास एट होम. अशोक ने क्या किया है, क्या करता है वह क्लास में अपने इंजॉय करता है आर्ट एंड क्राफ्ट को. ही लव टू ड्रॉ एंड पेंट एंड मेक थिंग्स आउट ऑफ पेपर. क्या करता है वह, उसे ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है. किसके ज़रिए? उसके आर्ट एंड क्राफ्ट के जरिए. तो वह पेपर कटिंग करने का उसे काफ़ी शौक होता है. ही मेड थिंग लाइक बोर्ड मास एंड कलरफुल चेन्स. क्या करता है, पेपर कटिंग करने के इससे वह क्या क्या अलग अलग टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के चीज़ों को बनाने की कोशिश करता है. जैसे पेपर से हम बोर्ड बना सकते हैं. आप लोगों को भी बोर्ड बनाना आता होगा, काफ़ी सारे बच्चों को देखा है मैंने ड्राइंग में काफ़ी एक्टिव होते हैं. उन्हें क्या होता है, ड्राइंग करना उनके एक इंटरेस्ट होता है कि ड्राइंग करने में भी उन्हें दिलचस्पी होती है और उस ड्राइंग के ज़रिए अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बनाना उनकी हैबिट होती है. तो उसी प्रकार जब अशोक इस चीज़ को इंटरेस्ट लेने लगा उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट में, तो वह भी क्या करने लगा, डिफरेंट टाइप के पेपर्स को कटिंग करके अलग अलग चीज़ें बनाने लगा. ओके, कैसे कैसे कलरफुल पेपर से वो चैन, बोर्ड, मास्क एक्सेट्रा बनाने लगा.